फुलसुरू तालुका में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर जिले के डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, बसव कल्याण तालुके के तहसीलदार शांत गोड़ा बिरादर, फुलसुरू तालुका तहसीलदार रमेश बाबू, फुलसुरू तालुका विभाग और बसव कल्याण तालुका विभाग के सभी अधिकारी और पुलिस विभाग और अन्य लोग उपस्थित थे। बसव कल्याण तालुका और फुलसुरू तालुका विभाग के अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया और जनता से आग्रह किया गया कि वो अपना वोट जाया न करें, आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस अवसर पर डीसी गोविंद रेड्डी ने मीडिया से बात की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। फुलसुरू तालुके में आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सबको मिला के हमने स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे हम मैसेज क्या देना चाहते थे बोले तो 80% से कम जिस वर्ष मतदान नहीं होना, वाट एवर हम प्रयत्न कर रहे वो 80% अबव इच वोटिंग परसेंटेज होना। लास्ट ईयर ML इलेक्शन में 72% हो गया था, उससे ज़्यादा जिस MP इलेक्शन आने वाला मई से को हम 80% क्रॉस करना है। हम आगे आने वाले दिन में कैंडल लाइट, साइकिल जाता और अंगविकलों का जाता, महिलाओं का जाता करके जन जागृति करना जा रहे हैं। ये तालुका लेवल में नहीं, फिर ओबड़ी लेवल पे और ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे हम ये ले जाएंगे। सभी मतदारों को हम क्या बोलना चाहते तो वो सब वोट करे, उनके घर वालों को भी वोट करे और वो ओनिया एरिया और विलेज को सबको मतदान करने के लिए प्रेरित करे, ताकि हम हमारा प्रजासत्तात्मक देश को और बलिष्ठ करें।